केजरीवाल सरकार एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्यों और क्या मामला है जिस वजह से केजरीवाल सरकार एलजी के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए अब सोच रही है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल हाल ही में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले 400 एक्सपर्ट्स को इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दिया है और एलजी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब दिल्ली सरकार का जवाब आया है और दिल्ली सरकार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये तक कह दिया है कि इस मामले को भी अब लेकर कोर्ट में ही जाना होगा। क्या कुछ कहा है दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर वो बताते हैं। तो जैसा कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े 400 विशेषज्ञों को नौकरी से निकाल दिया है, अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये फेलो IIM अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, NALSAR, JNU, NIT, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज जैसी शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से थे और विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। इन सभी को उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करते हुए काम पर रखा गया था। इनके खिलाफ फैसला लेने के पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया और किसी भी स्तर पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया। दिल्ली सरकार अब उपराज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती देगी। सरकार ने यह भी कहा है कि एलजी के पास कर्मचारियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका काम दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नई तरीके ढूंढना है। सरकार के बयान में ये भी कहा गया है कि एलजी दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनका काम सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करना है। तो उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 400 विशेषज्ञों को बाहर किया गया है नौकरी से और एलजी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि उपराज्यपाल के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी अदालत में। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया है उपराज्यपाल पर कि उपराज्यपाल दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि उपराज्यपाल की जो ये कार्रवाई हुई है वो किस किस विभाग पर दिखाई दी है, उसका असर किस किस विभाग पर हुआ है, कौन कौन से विभागों में ये 400 एक्सपर्ट्स जो थे वो कार्यरत थे और किस तरीके से किस वजह से इन पर कार्रवाई हुई है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े 400 विशेषज्ञों को नौकरी से निकाल दिया है। ये दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग, कॉर्पोरेशन बोर्ड और PSU में नियुक्त थे। एलजी कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि इनकी तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था जिस वजह से इन्हें नौकरी से निकाला गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। ये लोग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, सीनियर रिसर्च अधिकारी और कंसल्टेंट के पदों पर नियुक्त थे। तो उपराज्यपाल की ओर से जो कार्रवाई हुई है 400 एक्सपर्ट्स पर, उसके पीछे कारण कई बताए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इन लोगों को अपॉइंट जब किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एलजी से अनुरोध किया गया था कि ये जो अलग अलग विभागों में दिल्ली सरकार के 400 एक्सपर्ट्स की नियुक्ति हुई है, इन्होंने ना तो कई जगह पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल किया और ना ही काफ़ी जगह पर जो मांग थी एक्सपीरियंस की, उस एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को इनके द्वारा पूरा किया गया। तो इनकी नियुक्ति का जो पूरा मामला था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो मानदंड थे उनको पूरा नहीं किया गया, पारदर्शिता नहीं थी और ऐसे में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल यहां पर एक बार फिर से उपराज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी नजर आ रही है और अब लग रहा है कि इस मामले पर भी जबरदस्त विवाद हो सकता है क्योंकि अब मामला कोर्ट जाने की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि सरकार कह रही है कि इस मामले को चुनौती देने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।